वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मॉम ब्यूटी शालू। और गाइज, ये जो आप लुक देख रहे हैं ये है सोनम कपूर का, जो एक नया वीडियो वायरल हुआ है। 90s मेकअप लुक, जो उन्होंने 90s का मेकअप है वो क्रिएट किया है, और वही लुक मैंने क्रिएट करने की कोशिश की है। और देखते हैं आप, थोड़ा बहुत उनके जैसा हुआ है बट उनके जैसा मैं दिखना नहीं चाहती हूँ। तो ये लुक है जो मैंने उनकी तरह क्रिएट किया है। अगर ये लुक आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ। और मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। फर्स्ट मैं ले रही हूँ ये सीरम, जो कि मेरे पास है NYB का सीरम। तो उन्होंने सीरम लिया था तो मेरे पास यही है, तो मैं यही ले रही हूँ और अच्छे से इसे ब्लेंड करूँगी। देन नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये निविया का मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मेरे पास उनके जैसे प्रोडक्ट नहीं है। जो मेरे पास प्रोडक्ट है मैंने उन्हीं से ये लुक क्रिएट किया है, और मैं इसे अच्छे से अपने फेस पे लगाऊंगी। देन नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये सनब्लॉक, जो कि है जॉय का सनब्लॉक, क्योंकि मेरे पास उनके जैसा नहीं है, मैं दोबारा से बोल रही हूँ, तो मैं यही लगा रही हूँ। और ये बहुत ही अच्छा सनब्लॉक है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। देन नेक्स्ट मैं ये ले रही हूँ कलर करेक्टर, जो कि है LA गर्ल का कलर करेक्टर। तो गाइस ये लाइट है, मैं ज़्यादा डार्क कलर करेक्टर यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं इसे अच्छे से अपने डार्क स्पॉट पे लगा लूँगी जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है, और मैं इसे एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। और दूसरा मैं ले रही हूँ कोकोनट ऑयल, क्योंकि उन्होंने भी लिया है, तो मैं अपने लिप्स पर लगाऊँगी। देन नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये कंसीलर, और ये है वेट एंड बाइट का कंसीलर। और हम मोस्टली ज़्यादातर फाउंडेशन के बाद कंसीलर यूज़ करते हैं, बट इसमें पहले किया है तो मुझे पहले करना पड़ा है, बट इफ़ेक्ट उतना ही आया है, मुझे कुछ खास नहीं लगा है। बट यह है कि ज़्यादा अच्छे से उभर के आपको कंसीलर दिखता है अगर आप फाउंडेशन के बाद कंसीलर लगाते हैं, तो आपका फेस जो है हाईलाइट होता है ज़्यादा। देन नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का फ्लोरिना फाउंडेशन, और गाइस बहुत ही अच्छी लाइट से कवरेज है इसकी। अगर आप ज़्यादा कवरेज वाला फाउंडेशन नहीं ढूंढ रहे हैं, लाइट कवरेज का ढूंढ रहे हैं, तो आप ये ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा है ये फाउंडेशन, मैट फिनिश देता है। तो मैं इसे अपने फिंगर की हेल्प के साथ साथ इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। आप देख सकते हैं कितना नेचुरल लुक आता है इस फाउंडेशन से। देन नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये मैबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर। तो गाइस हम इसे पूरे फेस पे नहीं लगाएंगे, जो जो हमारे मतलब जहाँ से आपको थोड़ा ऑयल सा निकलता हुआ लगता है, तो हम वहाँ उस पोर्शन पे लगाएंगे। इन्हें आईज़ पे, नोज़ के पास, लिप्स के पास, क्योंकि पूरे पे उन्होंने नहीं लगाया था तो मैंने भी नहीं लगाया है। और नेक्स्ट आ जाते हैं हम आई मेकअप पे। और तो आई मेकअप के लिए मैं ले रही हूँ ये एक मेहरून कलर, सॉरी ब्राउन कलर की पेंसिल, आई पेंसिल। तो पहले मैं ये लगाऊंगी और एक ब्राउन शेड से ही इसे पैक कर लूँगी और ब्लेंड कर लूँगी। आप देख सकते हैं, और इसे अच्छे से मैं स्मच कर लूँगी। स्मच हमें ब्राउन शेड के साथ ही करना है। देन फिर मैं ले रही हूँ काजल, और ये ले रही हूँ मैं ग्लैम 21 का काजल, और अपनी लोअर लैश पे और अपर लैश पे लगाऊँगी। और थोड़ा सा हमें थिक लगाना है, और थोड़ा डर लगता है मुझे काजल लगाते हुए ऊपर की साइड पे, बट उन्होंने लगाने की टेक्निक जो थी वो बहुत अच्छी थी। समझ नहीं आ रहा था, मैं यहाँ पर वीडियो इंसर्ट करूँगी अभी। और उनके पास जो सिंगल आई शेडो था, बट मेरे पास यही वाला है थोड़ा शिमरी, लाइट शिमरी से, तो मैंने यही यूज़ किया है। और इसे मैं अपनी आईज़ पर लगाऊँगी, थोड़ा सा शिमरी लुक आ जाएगा आईज़ पे, और इसे फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर। और दूसरा मैं ले रही हूँ ये ब्राउन शेड, तो मैं इसे क्रीज लाइन पे लगाऊंगी। पता नहीं क्यों बाद बाद में लगा रहे हैं, बट उन्होंने ऐसे किया तो इसीलिए। और मैं ले रही हूँ ब्लश ऑन, और ब्लश ऑन के लिए मैं ले रही हूँ ये वाला पैलेट, जो कि मेरा बहुत ही अच्छा ग्लैम 20 सॉरी मार्ट्स का पैलेट है। तो मैं इसमें से एक पिंक शेड लूँगी, और थोड़ा डार्क पिंक है, तो आप मतलब मजाक मत उड़ाना कि इतने डार्क डार्क क्यों हैं, तो आप उनका देख सकते हो कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डार्क किया है, मेरे से भी ज़्यादा डार्क है उनका। तो मैंने थोड़ा सा लाइट कर लिया फिर भी इसे,
आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उनके फेस में और मेरे फेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मेरा फेस राउंड है तो मेरे को कॉन्टोर करना ज़रूरी होता है। देन नेक्स्ट मैं ले रही हूँ मश्कारा। तो मश्कारा के लिए मैं ले रही हूँ ये मैबलिन का मश्कारा और आप देख सकते हैं मैंने उनकी टेक्निक तो नहीं आजमाई क्योंकि बंद करके लगता ही नहीं बिल्कुल भी, तो हमने अपनी ही टेक्निक से कर किया है। और मैं सारे मेकअप को ब्लेंड कर लूँगी जैसे उन्होंने किया है। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये CVB का हाइलाइटर जिसमें से एक वाइट शेड लूँगी। और इसे अच्छे से अपने आईज़ के ऊपर, नोज़ पे, लिप्स पे लगाऊंगी। हाइलाइटर भर भर के लगाया जाता है। और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये हुडा ब्यूटी की लिप लाइनर। सामने टीवी चल रहा है, मैं टीवी में देखकर ये मेकअप कर रही हूँ। और नेक्स्ट मतलब रेड कलर ले रही हूँ मैं, ये रेड बहुत ही प्यारा सा रेड है, ये हुडा ब्यूटी का ड्यूप है ये, बट लिपस्टिक बहुत ही अच्छी है। तो मैंने जब डबल कोट लगाया है तब मेरे को ये वाला कलर मिला है उनका वाला। तो उन्होंने लास्ट में मेकअप फिक्सर नहीं यूज़ किया है तो मैंने भी नहीं यूज़ किया है। उन्होंने बिंदी लगाई है ब्लैक कलर की पेंसिल से, आप देख सकते हैं पेंसिल से बिंदी लगाई है जो कि राउंड लग ही नहीं रही है मुझ पे। और नेक्स्ट बहुत ही प्यारा सिंदूर लगाया है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और गाइज ये 90s का लुक है जो कि बहुत अच्छा लगा था मुझे, इसीलिए मैंने ये क्रिएट किया है। और मेरे से पहले जो क्रिएट कर चुकी हैं वो हैं दीपिका, जो उन्होंने भी बहुत ही प्यारा मेकअप किया है ये। तो उनके जैसे राउंड शेप के झुमकी नहीं है मेरे पास, तो ये वाली है तो मैंने यही वाली पहन ली है। और ये लुक आपको कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये लुक आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।